बिल्लो बग्गे बिल्लिया दा की करेगी, बग्गे बग्गे बिल्लिया दा की करेगी, बग्गे बग्गे बिल्लिया दा की करेगी। आपको जरूरत क्यों लगी गाना बनाने की? रीसेंटली मेरी बिल्लो नाल गल हुई है, उन्हें मैंने दसिया तो मैं सोचा कि यह 2-3 साल का नैशनल सवाल है, मैं नहीं आसानी नाल किवें ला दूं। दस की करां तेरे ते मरां, कहण तो डरा कह लैण दे, तू मेरे जज्बात छेड़े इको गल कहंदे जेड़े, बस तेरे नेड़े तेड़े रह लैण दे। मतलब क्या होता है भाई साहब इन लाइनों का? पता नहीं समझ आ गया। आज की तारीख 13 सितंबर 2023 है। पीछे हमारे मेहमान हैं जो हमें बता रहे हैं कि 13 अक्टूबर को उनकी फिल्म आ रही है। मेहमान से आपको मिलवाएंगे। न्यूज़ रूम में देखिए गंभीरता का माहौल है। थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट के फैसलों के बारे में अनुराग ठाकुर बता रहे थे। ये वरिष्ठ राजनीतिक संवाददाता हैं जो अभी गंभीर दिख रहे हैं, लिविल लिविल कर रहे थे थोड़ी देर पहले। क्यों कर रहे थे बताओ सबको? क्योंकि हम लोग इस उम्मीद में कि आज हमें उस सवाल का जवाब मिलेगा जो सबसे ज़्यादा वायरल है और लाखों लोग पूछ रहे हैं, साइंटिस्ट उस पर रिसर्च कर रहे हैं, शोधार्थी पीएचडी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि बिल्लो बग्गे बिल्लिया दा की करेगी, बग्गे बग्गे बिल्लिया दा की करेगी। हाँ बताओ, तुम भी तो ये बोलती रहती हो ना, क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे दर्शक पंजाबी भाषा नहीं जानते उनके लिए बताइए। काले काले लड़कों, मुझे स्पेसिफिक ऐसा याद नहीं है, मुझे भी यही याद है जो मैंने मीम में सुना था। क्या बिल्लो बग्गे बिल्लिया दा की करेगी, बग्गे बग्गे बिल्लिया दा की करेगी, अर्थ क्या हुआ, कवि कहना क्या चाहता है? वो रजत सर बताएंगे या जो गेस्ट आए उन्हीं से ही पूछिए। हाँ। वही तो वायरल। आपको पता है यमन, आपको तो पता है, आप सिनेमा कवर करते हो, इसी का तो जवाब जानने के लिए। नहीं पता है, दाजू को सब पता होता है। बताओ अमीबा, इसका अर्थ तो पता है समवर्ट है, लेकिन इससे जुड़ी हुई एक बढ़िया न्यूज डेस्क से जुड़ी हुई कहानी है, मैं बीच में आपको बताऊंगा। अभी बता दो। थोड़ी लंबी कहानी है। तो क्या हुआ, तुम्हारी कॉपी भी लंबी होती है, तुम्हारी कहानी भी लंबी, इसलिए मैं कह रहा था आप इंट्रो वगैरह कर लें तो उसके बाद में बताऊंगा। इंट्रो हो गया, शुरू हो गया वीडियो। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बड़ी अच्छी वो है कि अगर सिस्टम खुला हुआ हो तो कोई भी आपका सिस्टम को अपडेट कर जाता है। तो मेरा सिस्टम खुला हुआ था, एक स्टेटस मुबारक जी ने अपडेट कर दिया, एक बेहद मार्मिक सवाल से दिन रात जूझ रहा हूँ, बिल्लो बग्गे बिल्लियादि की करेगी, बग्गे बग्गे बिल्लियादि की करेगी, बताइए। इसमें इंट्रैक्शन इतना आया, इतना लाइक आया, कमेंट्स आए। हाँ, बड़े बढ़िया बढ़िया कमेंट है। देखिए एक है जयेंद्र पांडे जी का है, वो बिल्लो तुम नीली आँखों वाले गोरे लड़कों का क्या करोगी, नीली नीली आंखों वाले गोरे लड़कों का क्या करोगी। सर ये हुआ मतलब, ये अनुप्रास की छटा है क्या, ये कौन सा अलंकार है? ये कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय है, या पाए बोराए जग बा खाए बोराए। लेकिन यहाँ पे तो सर कनक कनक के दो अर्थ निकल रहे हैं, ये वाला है जो बार बार आता है, ये अभी तो रिपीट हुआ है ना ये। हाँ लेकिन इसमें बहुत दो बार कनक कनक, उसमें तो पूरा वर्ड ही रिपीट हो रहा है ना, इसमें वाक्य रिपीट हो रहा है। नहीं ये अलंकार आपका वो हो गया, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम वाला। क्या बात है, जियो दाजियो। तो शायद वो अनुप्रास होता है, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, बट अनुप्रास तो होता ही है। ये नीलिमा चौहान जी ने बड़ा अच्छा वो दिया, प्रस्तुत गीत के केंद्रीय संवेदना अप हाइट है, बिल्लो बिल्लोरी आंखों वाली नायिका के हृदय में विदेशी नीली आंखों वाले लड़कों के प्रति आकर्षण से उपजी अपनी पीड़ा से आहत नायक नायिका को उसके इस आकर्षण के विमुख करने के लिए कहता भी फुल स्टॉप नहीं है कि तुम उन नीली आंखों वाले गोरे लड़कों का क्या करोगी, आखिर हम में भी क्या कमी है, आखिर क्या रंग के, आखिर रंग के अलावा। ये रंग त्वचा का रंग या आंखों का रंग? ये नीली आंखों वाले गोरे लड़कों, तो आंखों का नीला रंग और गोरे लड़कों का, ये कम से कम यहाँ से। स्वयं काले कपड़ों की शौकीन तुम हे मेरे श्याम रंग से परे क्यों भागती हो। ये तो काफी मतलब ये मैं मुबारक जी को बाकायदा धन्यवाद देने गया था कि आपने मतलब बड़ा अच्छा स्टेटस डाला, और मैंने फिर ये जाके ट्विटर पर भी डाला और वहाँ पर भी मतलब ठीक ठाक इंटरेक्शन रहा था। हाँ आप क्या बोल रही थी? मैं कहती इतना सरकारी तरह का जवाब है, इसीलिए जेंजी अभी तक यही सवाल पूछ रही है कि क्या है, ऐसी लैंग्वेज का जवाब तो हमें नहीं समझ आता है। बताइए भाई साहब, ये बहुत ही कमाल के कलाकार हैं, इनका नाम काका है, बहुत स्वागत है आपका ललन टॉप में। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। मतलब क्या होता है भाई साहब इन लाइनों का? पता नहीं जी। बता दीजिए, एकदम बड़ा कंफ्यूजन है, इनका काम है न्यूज़ बता के देश का कंफ्यूजन दूर करना, ही खुद ही कंफ्यूज है। ए तो रिसेंटली मेरी बिल्लो नाल गल हुई है, उन्हें मैंने दसिया तो मैं सोचा कि 2-3 साल का नैशनल सवाल है,
मैं नहीं, आसानी इलाके में रहता हूँ। समझ में आ गया अमृत? नहीं समझ में आया? भाई साहब कह रहे हैं कि ये 2-3 साल की दरमियान का सवाल है, इतने जल्दी इतने फटाक से जवाब नहीं मिलेगा इसका। क्या बना है तुम्हारी टी शर्ट पे? ये भी कोई बिल्लो है क्या भाई साहब? बिल्लो बनी हुई है और पीछे कौवे उड़ रहे हैं, क्या है बेटा ये? कुछ तो है सर, रिकॉर्ड कुछ ऐसे ही है। हां सर, एनिम कैरेक्टर है। क्या है? एनिम कैरेक्टर है सर। एनिम? यस, एनिम, एनिमे। ये क्या होता है? कार्टून टाइप कैरेक्टर सर, लोग काफी पसंद करते हैं आज। तो टी शर्ट पर छपे हुए बिकते हैं, तो सर मैंने ले लिया एक। बहुत बढ़िया। तो आपकी फिल्म आ रही है? हाँ जी, वाइट पंजाब। पंजाब क्या अभी रे, कौन सी तारीख को आ रही है? 13 अक्टूबर को आ रही है। इनसे हम मिलाएंगे, ये काका है, सुपरस्टार हैं, बहुत कमाल का गाते हैं। बतौर एक्टर इनकी पहली फिल्म आ रही है। गब्बर संगरूर है, हमारा भाई है, और उसकी ये दूसरी फिल्म है बतौर डायरेक्टर राइटर, और उससे काका डेब्यू कर रहे हैं। उसके लिए काका ने खूब सारी कोचिंग वगैरह भी ली, दो उन्होंने अलग अलग तरह के उस्ताद रखे थे, ये बताना था ना? बता दो कोई बात। बता दें जी, ये नोएडा वैसे भी आते रहे हैं, बड़ा दिलचस्प काम करते हैं, लेकिन इनके साथ इनके एक दोस्त आए हैं चंदू माजरा से। मैं नहीं है पाजलागुरी सर, उन्होंने तो लो ही झंडन लेके आया मैं। ये सरकारी नौकरी करते हैं और कह रहे हैं कि छुट्टी लेके आए हैं। आए क्या काम क्या करते हो तो बता दो। काम नहीं कोई भी करता है। अभी तो आप बता रहे थे कि आप ऐसे बिजली का लोड अरे बस सिर्फ इतना बता दो, काम क्या करते हो, उसके बाद चले जाएंगे। बिजली बोर्ड से काम करते हैं। क्या काम करते हो बिजली बोर्ड? और नहीं फिर उठे कि पंखा ना भेज देना। कोई पंखा नहीं पेगा। पर उनकी बिगनिंग कहाँ से हुई, वो अभी भी यार दोस्तों को कितना साथ लेके चलते हैं, ये सब भी तो बताना होगा ना। सर मैं छुट्टियां लेके आया। नाम क्या है? गुरप्रीत सिंह, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में चंडीगढ़ में। जो क्या जैसे हमको वहाँ कमरे में बता रहे थे वैसे बताओ, क्या करते हो? लोड चेक करना गले गले सेक्टर का, कितना लोड है गले गले सेक्टर का, कितना लोड है। फिर सर जितना लोड होता है देखता हूँ, फिर लोड बढ़ गया तो फिर लाइट कट देता हूँ। लाइट कट देते हैं। आपका क्या नाम है? अजय। क्या करते हैं अजय आप? मैं काका को मैनेज करता हूँ। कितना मुश्किल है इनको मैनेज करना? कोई नहीं कोई नहीं, बताइए जरा इनके बारे में, बताइए इनको कब से जानते हैं आप? मेरे पिंड तो ये बचपन तो ही जानते हैं, बचपन दोस्त है। हाँ। तो ये जब भी आप ऐसे फिल्म या गाने के टूर पे जाते हो तो ये छुट्टी लगी चला जाता है साथ में? किसी के मेरे गिन में चुन में 5 या 6 दोस्त ने। बचपन के हैं सब? हाँ जी। जी मैं मेरे पिंड का ही बंदा है ना। पिंड कहाँ है आपका? चंदू माजरा पिंड, पटियाले जिले के पिछ पैंदा। पटियाले जिले में चंदू माजरा गाँव। हाँ जी। एक हो गया, एक बंदा मेरे नाल 6वीं च पढ़ता सी, 6वीं क्लास में, तो उदों तो मेरे नाल है। उदों बाद एक बंदा 8वीं क्लास मेरे नाल शुरू होया सी, दोस्ती शुरू हुई उदों तो नाल। एक बंदा मेरा दोस्त है जदों मैं बीटेक च सी, उदों मैं सारी क्लास चों। कहाँ से बीटेक किया आपने? पंजाब दे विच एक कॉन्टीनेंटल कॉलेज है। कॉन्टीनेंटल कॉलेज? ये कहाँ पे है? पंजाब दे विच है। कहाँ पे? जलवेड़ा पिंड है। जिला कौन सा लगता है? फतेहगढ़ साहब। फतेहगढ़ साहब मतलब? अच्छा, तो वहाँ से आपने क्या पढ़ाई की? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वाह। पहला 3 साल डिप्लोमा किया जी। हाँ, पॉलिटेक्निक से। हाँ जी, वो फतेहगढ़ साहब किया। हाँ। तो बीटेक करी फिर 3 साल मैकेनिकल। हाँ जी। और गाना कब से शुरू किया लिखना? लिखना शुरू करे मैं 2012 के दौरान शायद। डिप्लोमे के आखिरी साल मैं पहला गाना लिखा जी। कौन सा गाना था? होएगा एक कहानी जो मैं रिलीज कर चुके हैं 2 साल हो गए। थोड़ा सा गुनगुना के बताइए। जिम्मे उन्होंने कहानी लंबी सी मेरा भी वो। आपके लिए हमारे पास बहुत टाइम है, ये हर कहानी लंबी सुनाते हैं इसलिए इनको रोकना पड़ता है। देखो अपनी नीचे रूम दे विच जिम्मे वो बंदे नाल गल हुई सी कि बिजली बोर्ड वाली जो तो अपनी गल हुई सी एक अदरक वाली चाह दी क्योंकि मैं गला खराब है थोड़ा जहा मेरा। उदय क्या स्पेसिफिकेशन दी है तुमने चाय की? मैंने बोला था उसको कि अदरक डालनी है और उसमें लौंग डालनी है। उसने कहा मेरे पास लौंग नहीं है। मैंने बोला लौंग कहीं से जुगाड़ो और डालनी है, तो वो लौंग जुगाड़ रहा होगा अभी थोड़ी देर। पंजाबी गाना मशहूर नहीं है मेरा, लौंग गोवा चा निगाह मारदा ही। हाँ।
इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है कि मेरी चाय में से इसने लॉन्ग गायब कर दी। मैंने इसे लॉन्ग मंगाई है, वो लॉन्ग खो गया, उस पे नजर मारते आना कि कहाँ गिरा है, कहाँ गिरा। नाक की जो कील होती है ना, उसको लॉन्ग बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं। हाँ, वो नहीं डालनी चाय में, नाक की वाली नहीं, 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 वो अलग वो वाली लॉन्ग डाल रहा है, वो खाने वाली। तू गोली तो नहीं दे रहा ना? नहीं सर, चाय। ये देखिए, ये उदय हैं, ये बैटकी के और लल्ला और गजचंदा न्यूज रूम के प्रोड्यूसर हैं। खबरों पे नजर रखते हैं, खबरों पे नजर रखते हैं। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप काका से? सर मेरा सवाल वही वाला था, जैसे बिल्लो बग्गे, आपको जरूरत क्यों लगी गाना बनाने की? हाँ, ये थोड़ा सवाल थे भाई, दस सवाल कोलाइड कर गए। हाँ, कब शुरू किया और जरूरत क्यों लगी? पहला तो मैनू बचपन तो सिर्फ सुनने का ते गाउण का शौक सी कि मैं कोई गाना किसी का गाया होया सुनना, उन्हें सुन के गाना। फिर मैं सोचा कि मैं प्रोफेशनली भी कर सकता कुछ, मैंने मेरे दोस्तों ने दसाया थोड़ा जा कि तू कर सकता, तेरी आवाज़ ठीक है थोड़ी जी। ये सारे दोस्त ये बिजली काटते हैं? ना ना ना, इन्होंने नहीं बिजली काटते हैं, बिल्ली काटते हैं, बिजली काटते हैं, बिल्ली नहीं काटते। ठीक। फिर मैं पहला इमेजिनरी लिखने की कोशिश करी कि मैं इमेजिन करके लिख के देखा। एक गाना जो मैं दसिया, एक नंगे पैरी होंगी सी, पैरों में धागा काला सी, मेरे नालों साला काला धागा करमा वाला सी, ये इमेजिनरी लिखा गया। वो तो बाद में देखा कि लिखा नहीं जा रहा, कुछ भी लिख नहीं सकता मैं। फिर जो मैं बीटेक करने लग गया, फिर मैं कुड़ी फॉलो करना शुरू करता। रॉकस्टार वाला चल रहा है ना वो, जनार्दन से वो समोसा आएगा कि चटनी डाली इसमें। सच में वैसे ही हुआ? मैं वो मूवी तो बहुत प्रभावित होया। जो मूवी मैं देखी, एक तो मैं 3 इडियट ने मैनू बिगाड़िया बहुत। कैसे? मैं सीरियस लैन तो हट गया हर चीज़ नू, मैं ठीक है नंबर की करना है, मार्क्स का की करना मैं। एक नंबर। दूसरा रॉक स्टार की मैं दिल तड़वाने लिए पागल हो गया कि हूँ तो तड़वाने ही पैना। दिल टूटे नहीं पर गाने बन गए। नहीं टूटा, कोई तोड़ ही नहीं सकी। हाँ, कोई तोड़ ही नहीं सकी मुझे पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको भी बताया ना कि मैंने उन्होंने नोटिस करना शुरू करता, नोटिस करना शुरू करता। हाँ। फिर वो कदे स्पेसिफिक जुल्फ देख ली कि हाँ किसी कुड़ी दे इत्थे जुल्फ जी आँदी हुंदी है, उहदी तारीफ करती। फिर वो ठोडी का निशान सी उरे, उहदी तारीफ करती। फिर कोई होर चीज़ बना ली जो वो इर्द गिर्द घूमती है, कोई गाना बना लिया। फिर जो गई मैं लगा कि मेरा दिल टुट गया, मैं लग्या। फिर मैं कोई होर सोहनी कुड़ी देखी, मैं कहा नहीं टुटिया, मजाक चल रहा। फिर उस तो बाद मैं वो ओरिएंटल बैंक के काम करती थी कुड़ी। आप अगली नेक्स्ट अगली कुड़ी। अच्छा। फिर उतो मैं लिखा मैनू तेरा मेरा मिलना स्वीट लगता है, तेरा बैंक ओरिएंटल मसीत लगता है, किस्सा ही रांझे का रिपीट लगता है, वह गाना बन गया। उस तो बाद फिर मैं सोचा कि उन्हें मैं हाँ नहीं करी, मेरा दिल टुट गया। फिर मैंने एक होर दिखी, मैं नहीं टुटिया। फिर मैं जॉब करने लग गया, फिर मैं उत्थे एक होर कुड़ी देखी। फिर मैं उधर लिखा भी दस की करा तेरे ते मरा, कहण तो डरा कह लैण दे। जदों उन्हें मैनू कह लैण दिता, इजाजत दे दी कि कह दे, फिर उन्हें मैंने कहा कि जा भाजा तेरी शिकायत ला दूंगी। फिर मैं सोचा कि मेरा दिल टुट गया, पर नहीं टुटिया। फिर मैं सोचा कि हुण रिलेशन च आके देख लेना चाहिए। फिर मैं रिलेशन दे विच आ गया, क्योंकि मैं रिलेशन च आउण तो डरदा सी। मैनूं लगदा सी कि देखो कोई भी चीज़ है ना, उन्हें दूर तो देखा जाए तो वह बहुत वधिया लगती है। जे तुसीं किसी चीज़ की खासियत देखनी है, उन्हें एक प्रॉपर गैप तो देखो। जदों नज़दीक जाने हो फिर थोनू खामियां दिखाने लग जांदियां हैं। तो मैं सोचता सी कि जे मैं तारीफ करनी है, जे मैं शायरी च किसी कुड़ी दी या किसी चीज़ किसी भी चीज़ की तारीफ करनी है तो मैं दूर तो देखा। मैनू पता सी जिवें मैं नज़दीक गया मैनू बहुत बंदे बुरे लगन लग जांदे नज़दीक तो। फिर जिस चीज़ का डर सी वो हो गई, प्यार हो गया, बुरी लगन लग गई। फिर मैं कुछ लिख नहीं पाया, बहुत देर हो गई मैं कुछ नहीं लिखा, बहुत साल लंघ गया, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में धक्का मुक्की करके एक गाना लिखा, वो फ्लॉप हो गया। मैं कहा ब्रेकअप चाहिए। फिर मैं ब्रेकअप प्लान करया। कैसे प्लान किया वो नहीं दसदा,
ਉਹਨੇ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਾਂਗ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਡੈਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਰ ਟੂ ਲਾਈਨਰ ਫੋਰ ਲਾਈਨਰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਇੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹ ਲੈ ਦੋ ਗਲਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਯਾਰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਈ ਲੌਂਗ ਵਾਚਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂ ਇਸ ਪੇ ਇਸ ਪੇ ਇਸ ਪੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕ ਪੇ ਬੋਲੀ ਉਨਕਾ ਮਾਈਕ ਲਗਾ ਹੁਆ ਹੈ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਹਾਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਥੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਗਾਣਾ ਥਾ ਲਿਬਾਸ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਾ ਗਿਆ ਉਸਕਾ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਥਾ ਤੋ ਉਨਕੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨੇ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਨੇ ਕੋ ਕਹਿ ਰਹਾ ਥਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲੜਕੀ ਪੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਨੇ ਕਿਆ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਾ ਕਿ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋ ਸਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਉਨਸੇ ਪੁੱਛੇ ਅਰੇ ਆਪ ਖੜੇ ਤੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਉਨਸੇ ਆਪ ਖੜੇ ਤੋ ਹਾਂਜੀ ਆਜਾ ਆਜਾ ਇਧਰ ਐਸੇ ਨਾ ਜਾਂ ਜਾਂ ਹੀ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਕਰਤੇ ਰਹਿਣਾ ਇਧਰ ਬੈਠੋ ਆਪ ਬੈਠੋ ਮਾਈਕ ਆਈ बताते रहना इनको नहीं नहीं अब पूछते रहना हाँ मैं तो पूछ ही रहा हूँ बता भाई साहब क्या कह रहे हैं बताने को लिबास जेड़ा मेरा सब तो ज़्यादा हिट गाना है मेरा कहना है कि वो ओवर रेटेड गाना है ओवर रेटेड गाना है मैंने बहुत बुरा लगता है तो एक बचकाना शायर की बचपना हरकत है इसके पहले आप जो सब बोल रहे थे वो बचकाना नहीं था नहीं वो सियाने बंदे की गलत है कि दिल नहीं टूटा तो भी ब्रेकअप प्लान किया वो तो फिर समझदार बंदा कोशिश करता है ना कुछ लिखने की हाँ वो बचपना नहीं हैगा हाँ बचपना वो है जो लिबास नू जो जो लिखा जा उनू गाया जा हाँ वो ठीक है कंपोजिशन बढ़िया है लिरिकली वेटेज नहीं हैगी उहदे च हल्का गाना है आप इधर आओ इधर आपका माइक नहीं है ना आप जब भी कुछ बोलोगे मुझे उनका माइक उनके लगा हुआ है कॉलर पे तो आप इधर आ जाओ ना अपन दोनों भाई साथ में बैठेंगे ना आपका हाफ पैंट मेरा फुल पैंट आ जाओ अच्छा 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 वैक्सिंग नहीं करवाई नहीं नहीं जरूरत नहीं है ना गुड एक इनको ये पूछे कि उसका मतलब समझाए ना जो उन जिसके लिए फेमस हुए कि इन्होंने सारे टैबू तोड़े कि आर्टिस्ट ऐसा दिखना चाहिए गोरा रंग ये होना चाहिए वो होना चाहिए जहाँ से सारी स्टार्टिंग हुई सीवी ले लो भाई का मेरी नौकरी का तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन शुरू हुआ कि जहाँ से सारा जर्नी शुरू हुआ कि जब इनका पहला गाना आया जब उन्होंने ऐसे ही डाल दिया कि एक आर्टिस्ट ऐसा कैसे हो सकता है इतनी फेम कैसे आ सकती है तो लिबास गाने की मुझे क्या लगती है अहमियत क्या है उसमें ये लिखा हुआ कि वैसे तो तुम सबको सारी चीज़ें काली पसंद है हर कपड़ा हर चीज़ पर इंसान काला आपको पसंद नहीं आ रहा है जो अपना एक स्टैंडर्ड मार्केट में इशू है काले पैंट में इंसान आया तो अब इनसे ये पूछें ना तो उस गाने के लिरिक्स का मतलब पूछें बेटा हम किराए मिल लेते क्या वहाँ ले जा रहा वापस हाँ भाजी ठीक है बहुत बढ़िया यार वो पूछेंगे ना वो सीरियस सवाल आखिरी के पांच हमने बचा के रखे हैं हाँ थोड़ा रुक जाओ भी थोड़ा भी वार्म अप चल रहा है अरे पहुंच जाओगे 7 बजे की फ्लाइट है कितना चरस आदमी है यार है चरस हो गया होता चरस आदमी होता जो एकदम पीछे पड़ जाए अच्छा अच्छा वो है ना ये आदमी नहीं सुना था मैं आदमी नहीं सुने चरस आदमी कैसे हो सकता है चरस बंदे दे पीछे पै जाए मतलब वो जो सिर पकड़ लेता है सिर पकड़ ले हाँ ये तो है नमा नाम मिल गया ये बताइए कि आप ग्रेजुएशन के दिनों से गाने लिख रहे हैं गा भी रहे हैं इतने मशहूर हो रहे हैं है ना उस गाने पे हम आएंगे लिबास और वो जो पूरी एक देश में बहस छिड़ी है ना फेयर एंड लवली क्रीम बिकती है उस सब पे आएंगे फिर ये गब्बर आपके पास फिल्म का आइडिया लेके आया इससे पहले कभी किसी ने फिल्म पिच की थी आपको कई कई फिल्में पिच हुई हैं किस तरह की जिमी दे मैंने पसंद नहीं आई क्या ऐसा क्या था ऐसा जो पसंद नहीं आया आपको
देखो एक मेरी खुद की कहानी है, मैनू अपने आप जो बहुत वधिया चीज़ लगती है ना कि मेरी जो स्टोरी लाइन है ना मेरी जिंदगी की, वो बहुत वधिया लगती है। ओके तां जे मेरी स्टोरी दे नाल मिलदा जुलदा एक स्टोरी का कोई ऑफर आ गया मैनू कि मैनू लग रहा है कि मेरी खुद की कहानी बहुत वधिया है, बहुत लंबी है, तो कोई मेरे को ऑफर आएगी कि वो सिर्फ चार या पाँच साल दिखाऊगी तो मैं वो ठीक नहीं लगेगा। मेरे चार पाँच साल मिलती जुलती एक फिल्म आई सी वधिया सी, छड़न का रीज़न सिर्फ यही सी क्योंकि वह मेरी स्टोरी नू खराब कर रही थी। मैं उही चीज़ पहला कर लाँगा फिर उस तो बाद मैं अपनी मूवी दोबारा बनावा वो फिर चलनी नहीं। आप अपनी फिल्म बनाएंगे अपनी बायोग्राफिकल? बहुत वधिया है। मैं मैनू मैनू मेरी मम्मी तो छोटे होंदे ना कहानियां पढ़न का शौक पे ते कहानियां दा शौक इहो जिहा पै गया कि मैं अपनी कहानी लिखण लग गया। तब से मतलब जीण लग गया अपनी कहानी। हाँ। कि उहदे विच कोई एक पन्ना जां दो पन्ने बोरिंग ना होण तां मैं फुदू हरकतां करदा रहिंदा थोड़ी जिहा जिवें मैं तुहानूं दस्सिया। हाँ फिर क्या फुदू हरकतें करते थे आप? बताया तो था आपको, वो तो एक थी कि इससे दिल तोड़वाना है और तो ऐसी बहुत है, बहुत सारी करता हूँ अभी भी करता हूँ। मूवी जब की कितना कुछ मूवी गब्बर नहीं तो गब्बर जी कंप्लेंट ले भाई तू ये ले तो गब्बर जी आ जाएंगे। हाँ तो फिर गब्बर ने आके वाइट पंजाब की कहानी सुनाई। क्या है कहानी, इसकी बेसिक प्लॉट क्या है? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮੁਫਤ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਥਿਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕੁਛ ਗੈਂਗਸਟਰ 'ਤੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੀਜ਼, पर्सनल रीजंस नहीं है। अच्छा नफरत है। अच्छा जो बिना हक के हासिल कर ले उनसे नफरत है। ते ए मूवी इसे चीज दे इर्द गिर्द घूमती है जो गैंगस्टर्स जिवें अपने बढ़ रहा है इंडिया च जां पंजाब च, तां मेरे मांग भी बाकी नॉर्मल पब्लिक नफरत दी नज़र नाल ही देखती उन्होंने, पर जे बीइंग अ स्टोरी रीडर मैं एक गल नोटिस करी है कि हर चीज़ का एक परस्पेक्टिव भी होंगे। जे किसी विलन की कहानी विलन के मूँह सुनी जाए तो वह विलन रहूगा ही नहीं, फिर वह हीरो ही हो जाता एक तरह। तो मैं जो मैं उन्हें मैं कहानी सुनाई गैंग्स से रिलेटिड, फिर मैं सोचा कि मैं सिर्फ नफरत नहीं करनी चाहिए, मैं ये भी समझना चाहिए। चार पाँच चीज़ें हैं जो मैं समझना चाहता हूँ जो पंजाबी गानों को देख के मुझे समझ में आई। एक तो पंजाबी गानों में जट शब्द बहुत आता है ना, पर जट तो एक जाति समूह है ना, उससे इतर भी बहुत सारे कास्ट ग्रुप के लोग रहते हैं, तो वो एक ही कास्ट ग्रुप के गाने क्यों बनते रहते हैं ज़्यादातर कि जट ऐसे जट वैसे? बहुत बढ़िया सवाल है। एक ना हर स्टेट दे विच हर मुल्क दे विच नॉर्मली होंदा है एक कास्ट थोड़ी जी वध मेहनती हो कह लो चाहे, जां फिर उन्होंने उन्होंने पूर्वजा ने वध मेहनत कर ली किसी टाइम जमीन उन्होंने हाथ च आ गई, जां फिर उन्होंने कोल जो मेन कमाउन वाली कास्ट हो जाती डोमिनेंट कास्ट ज्यादा ताकतवर है जमीन में राजनीति में सब जगह उनका प्रभुत्व है। जिवें किते वो गुर्जर समाज आ जाता है, किते वो जाट समाज आ जाता है, किते वो जट समाज आ जाता है ना, वो समाज की गलती कोई नहीं, वो समाज का किसी कास्ट की कोई खासियत भी नहीं होंगी कि मैं एवं मैं अपने आप को चंगा कह लैन भी कोई बुरी गल नहीं हैगी, अपने आप को बुरा कहने भी कोई बुरी गल नहीं हैगी। पर जे गाण की गल हरेक गाने के यह वर्ड आना एक तो मेजोरिटी उन्होंने लिसनर मिल जाता है लिखने वाले उपरों शोज करने हैं जां फिर कुछ भी करना है तो उन्होंने उन्होंने स्ट्रीमर जोड़ा वध पे करने वाला बंदा वो टारगेट हो जाता। अच्छा इकोनॉमिक्स है पूछी इसके पीछे। अच्छा दूसरा ये जे मैं गाना लिखा फरारी थे मर्सिडीज थे या और चीज़ा थे महंगे मटीरियल पर गाना लिखूंगा तो महंगी ऑडियंस आ जूगी, जे मैं सस्ते मटीरियल पर गाना लिखा तो मेरी सस्ती ऑडियंस मैं रिलेट करूगी। तो हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं गाना लिख रहा
मेरे गाने के मटीरियल का जिक्र घट तो घट हो जे मेरे सारे गाने कुल मिला के तुसी उन्हां विचों कास्ट धर्म मटीरियल गड्डी बाइक कढ़ दो तो मेरा काफ़ी सारा गाना बच जाता है 80-90% बच जाता है बाकियों के मुकाबले। हाँ वो गाना है ना कि कुड़ी कहती पहले जगुआर ले लो फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो, मतलब जिनके पास जगुआर नहीं उनको प्यार नहीं मिलेगा। वो सिंगर मेरा दोस्त है। हाँ बहुत बढ़िया बंदा। उसके पास जगुआर है कि नहीं है या ये गाना बना के ले ली? मैं मटीरियल से नज़र रखता नहीं जी। नहीं रखते हैं? मैं पता नहीं, मैं भी वो को होगी शायद। कौन है उसका सिंगर? सुखी। बंदा नाइस है। बंदा नाइस है, वेरी गुड। तो ये पंजाबी गानों में इतना बंदूक बंदूक क्यों दिखाई देती है? एकदम सब लोग ऐसे मूछों पे टॉर देते हो, बंदूक लेके चल रहे हैं, बंदूक लेके। एक रोज़ाना जिंदगी दी तड़पना जूझ रहे इंसान उन्होंने डोपामाइन का सहारा चाहिए होंगे थोड़ा जा। क्या बात है। तो उ है बस, थोड़ा जा रश हो जाता है एडनालिन, होर कुछ नहीं है। जिमें थोड़ा जा इस चीज़ में ज़्यादा भी उछाला जाता है कि गन की गल करती जी गल करती हथियार की, हालांकि मैं करता नहीं, पर मैं उन्होंने इन्ना खिलाफ़ भी नहीं है कि तुम ना करो ना करो करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का जो बयान दिता या फिर अपनी सफाई दी कि जो मूवीज़ के किसी एक्टर आप चोर दिखा सकते हैं वो हीरो होंगे, हालांकि किसी ने ठग दिखा सकते हैं फिर भी हीरो होंगे, उन्होंने देख के जो क्रिमिनल नहीं बनते तो गाने के हथियार सुन के कोई क्रिमिनल नहीं बनता, वो सुनते हैं नचते हैं अपने काम पर जाते हैं। हाँ मैं नहीं, मैं ये हक च नहीं हुआ कि मैं लिखूँगा, पर जो लिख रहे ने उनका व्यू पॉइंट बता उन्होंने खासियत है। अच्छा, और पंजाब में मैं खुद भी रहा हूँ, लुधियाना रहा हूँ, चंडीगढ़ रहा हूँ, नशे की बहुत ज़्यादा समस्या है नौजवानों में, इसकी क्या वजह लगती है आपको और क्या करना चाहिए इसको लेके, क्योंकि आप एक पॉपुलर आर्टिस्ट हैं। नशे देखो जिमें मैं पलिया जा जिमें मेरे माँ बाप ने मैंने पालिया, थोड़ा जा डरा के रखते हैं, थोड़ा जा समझा के रखते हैं, है ना। मैं लगता है कि ये माँ बाप तो ही है हूँ, जो मेरी मेन अपनी सारी सोसाइटी है सिर्फ सरकार से ही निशाना रख दें कि यह लिया रहे हैं ये करवा रहे हैं, ठीक है वो भी करना चाहिए, सरकार से भी प्रैशर होना चाहिए, सरकार कंट्रोल कर दी चीज़ों, पर सारा नहीं। जे मैं कोई नशा मेरे को चाह के तुम मैं दस दो कि आ पाया हुआ मैं पीना ना पीना मेरी मर्जी है ना। चाय में क्या मिलाते हैं? अफीम। बुक्की। बुक्की इधर आ तू। हाँ मतलब बुक्की बोलते हैं शायद उसको। हाँ बुक्की बुक्की हाँ बुक्की बोल देते हैं। बुक्की ऐसे कुछ बोलते हैं ट्रक ड्राइवर्स ज्यादा उसको। क्या होता क्या है? कुछ नशे का अफीम चरस टाइप का कुछ होता है उसको लेते हैं। मैं एक दो ट्रक ड्राइवर से बात की थी गुजरात में तब पता चला। कैसी टेस्ट कैसी करती? अब मुझे क्या पता टेस्ट, थोड़ी मैंने टेस्ट थोड़ी की है। नहीं नहीं जी भाई नशे पे बात कर, लकड़ी तो बुरादे बाकी होती है। तो वही है जी, मैनु लगता है कि जो करैक्टर बिल्डिंग होंगी ना शुरू तो बच्चे की, उत्थे जो तुम अपना समाज या फिर आप सारे अपने अपने बच्चे एक मैंटली स्ट्रोंग कर दोगे कि यह बुरी चीज़ है तो ये आ फर्क ने ए बंदा एवें बन जाता है तो शायद फर्क पै जाए। जिन्ना मर्जी सरकार लियाई जाए जो सरकार ही लेके आ रही है जिन्ना मर्जी लियाई जाए जो अपने बच्चे संभाल के रखे होने अपने उन्होंने वधिया समझाया होगा वह नहीं करे। कभी आपको किसी गैंगस्टर ने फ़ोन किया धमकी वाला कि इतने पैसे पहुंचा दो, ये जितने गैंगस्टर्स के सबके नाम आते हैं, क्या नाम है, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार, इन सबके धमकी भरे फोन आपके पास आते हैं क्या काका? सबके पास आते हैं। सबके पास आते हैं। कितना पैसा मांगते? मूवी उसी चीज़ पे है। हाँ नहीं मूवी पे तो आएंगे, कितना पैसा मांगते हैं आपसे? कोई लिमिट नहीं है ऐसा, कोई कोई नंबर तो कोई क्रेडिट कार्ड थोड़ा है कि इतना 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 जैसे सबके पास कर जाए। हां कितना मांगा आपसे? अभी याद नहीं है पर 50 लाख 20 लाख कुछ मांगते रहते हैं, सबकी अलग-अलग क्रेडिट कार्ड्स हैं अपने लेवल के अकॉर्डिंग, पर हमें पता नहीं कि कौन है। इनको फोन करते हैं या आपको फोन करते हैं, आप इनको मैनेज करते हो? सबको जाते हैं जिसका नंबर मिल जाए जिसको, पर हमें नहीं पता कि कौन है, अनोनिमस कॉल से नंबर से मैसेज आता है, कॉल आता है किसी और कंट्री से, बस इतना ही पता है हमें। और उसमें पैसा मांगते हैं प्रोटेक्शन मनी? प्रोडक्शन मनी तो नहीं कह सकते, एक्सटॉर्शन मनी कह सकते हो। हम प्रोडक्ट तो नहीं कर रहे हैं ना वो। तो आपने कोई एफआईआर वगैरह करवाई? हमने उस पर इतनी गौर ही नहीं करी क्योंकि लाइफ में तो आगे बढ़ना है हम, जब वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं किसी के लिए किसी अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, एफआईआर करके कुछ मिलता भी नहीं है ना।
आपके पास कभी इस तरह के फोन आए काका? जे मैं कहा कि आया है तो मे भी मैं किसे होर दा टारगेट हो जावा। जे मैं कहा कि नहीं आया मे भी कोई गैंगस्टर कहे साले ने इन्हू फोन ही नहीं गया। हाँ मैं इस सवाल तो बचना चाहूंगा। आप सिद्धू मूसेवाला से मिले थे कभी? इस सवाल तो भी बचना चाहूंगा मैं। पर ये जब वाइट पंजाब फिल्म आ रही है तो इस बारे पे बात हो रही है ना कि पंजाब में गैंगस्टर्स और पंजाब में उन गैंगस्टर्स का असर क्या है, खतरा किससे है? ये एज अ आर्टिस्ट नहीं, आप पहले सिद्धू मूसेवाला से मिले हैं कभी? मिले हैं? एक बार मिले बस। अच्छा, क्या सोचते हैं आप, कैसे कलाकार थे? जो सारे सोचते हैं बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है। उन्हां दी वोकल दी जो स्ट्रेंथ है वो मौजूदा किसी सिंगर दे विच नहीं है। ते कंपोजिशंस बहुत बढ़िया, म्यूजिक दी चॉइस बहुत बढ़िया। और पुराने सिंगर्स में कौन पसंद है? कुलदीप, बहुत सारी, बहुत लंबी लाइन है। कुलदीप मानक, कुलदीप मानक जी, सुखविंदर सिंह, जगजीत जी, गुरदास मान, सतेंद्र सरताज, तां चलो नवियां चा भी। अच्छा, मैं एकदम चौंक गया, मैंने कहा सरताज और पुराने गिने जाने लगे। नवे भी बहुत पसंद है मैनू। हाँ, सिद्धू के गाने बहुत सुनता हूँ। हाँ, और अभी और कौन पसंद है? अर्जुन ढिल्लों, करण औजला, नवे। इनमें से किसी के साथ आपने साथ में शोज किए हैं बाहर या देश में कहीं? मैं किसी आर्टिस्ट नाल टच नहीं है ना, नहीं टच में नहीं है आप किसी के? क्यों बात नहीं करते किसी से? हाँ, किसी से बात नहीं करते हैं। इतने अच्छे से तो बात कर रहे हैं यार। But वैसे ही likes to be in himself। हाँ, मुझे लगता है कि मैं सोई, उन्होंने बताया ना कि सोशलाइज करूंगा, अभी मेरे को बाहर बंदा अच्छा लगता है। हाँ, करीब जाऊंगा तो वो अच्छा है कि बुरा, फिर डिसाइड करना पड़ जाएगा ना। हाँ, इसलिए वो करीब ही नहीं जाते हैं किसी के भी। ही इज वो जो उनके वो चार सर दोस्त वाला सर्कल है जिनके वो करीब जाके फेस ऊपर निकल गए। हाँ, कि वो अच्छे हैं, इसलिए बाकी किसी किसी के साथ टच में नहीं है। एक मैं एक मैनू एक गल याद आई है, हाँ बहुत बढ़िया गल है, बताइए। मैनू मेरा कोई आर्टिस्ट दोस्त सी जो कि मैनू हुण पसंद नहीं है, उन्हें मैंने एक बहुत बढ़िया गल कही थी जो मैंने गल हजे तक पसंद है। उन्हें कहा कि अपने फेवरेट आर्टिस्ट को कह देना मिले हो जो थानू बहुत पसंद है, क्योंकि उन्हें किसी मिल के देखा होना तो उन्होंने वह वधिया लगना तो हट गया, चंगा लगना बंद हो गया, क्योंकि उन्हें कुछ इस तरह का देख लिया, ऑबजर्व कर लिया, या फिर मे बी हो जाता कुछ। तो मैं किसी को नहीं मिलता कि मैं चंगा लगता रहे, मैं वो गाने सुनता रहा, क्योंकि आप इंसान हाँ कि जो आप कोई बुरा लगता ना वह सब कुछ ही बुरा लगन लग जाता। जे मैं सारे आर्टिस्ट बुरे लगन लग गए, मैं सुनूंगा किनू, फिर मैं सीखूंगा कि फिर मैं नवी कंपोजिशन किमें सुनूंगा, ज की हो रहा है, की लिख रहा है, कोई किमें गा रहा है, वह मैं पता किमें लगेगा। जे जे थोनू किसी भी कोई भी आर्टिस्ट की कोई गल बुरी लग जाए, कुछ भी बुरा लग जाए, उन्होंने गाने भी बुरे लगन लग जाने। तो मैं चाहना कि मैनू वधिया लगन, जिहड़े गाने वधिया ने वह वधिया लगन, मैं उहदे नेचर दे बिहाफ ते उहदे गाने नू जज ना करा, मैं गाने नू गाने वांग जज करा। बढ़िया जी। हम लोग नशों के बारे में बात कर रहे थे तो मैं ये पूछने वाला था कि आपने एक लाइब्रेरी शुरू करवाई है गिटार शेप्ड, तो उसके पीछे क्या थॉट है? मतलब आपने हालांकि उसका रीज़न नशों का कुछ और दिया जिससे मैं कम्प्लीटली एग्री तो नहीं करता, बट स्टिल उसमें एडिशन ये है कि लाइब्रेरी के पीछे क्या थॉट है, क्या आपको पढ़ने का बहुत शौक है? नशों का क्या रीज़न दिया? मैंने रीज़न तो आपने ये बोला ना कि सरकार प्रोवाइड करा भी रही है तो उनकी बचपन से ऐसी परवरिश होनी चाहिए, वो बाहर जा रहे हैं तो वो क्यों ले रहे हैं? तो एक एज ऐसी होती है जिसमें जाकर पेरेंट्स की जो कंडीशनिंग भी होती है वो बहुत मददगार साबित नहीं होती, कुछ हद तक होती है पर वो 50-50% होता है कि आप किससे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पंजाब में जितना यूथ है, क्योंकि मैंने खुद नशों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो ऐसा नहीं है कि कुछ प्रोवाइड हो रहा है तो सिर्फ इसीलिए, मतलब उनकी कंडीशनिंग ऐसी नहीं होती वो इसलिए लेने लग गए। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, एजुकेशन भी होती है, कैसा सर्कल है, और कई सारे फैक्टर्स हैं उसमें। मैं बहुत देर अनएम्प्लॉयड भी रहा, मैं दुखी भी बहुत रहा, मैं थोड़ा जा डिप्रेशन भी देखा है, मैं नशा नहीं करया उदों, हुण मैं दारू पी लेना। नहीं जब वो इस वाक्य का अर्थ हुआ हुण मैं दारू पी लिया, मतलब अब मैं दारू पी लेता हूँ। अच्छा,
मतलब अब पीने अब पीता हूँ तब नहीं पीता था मैं। हाँ, तो खैर ये डिबेट तो अलग है। मैं पूछ रहा हूँ कि उस लाइब्रेरी के पीछे क्या थॉट है और उसमें बहुत बढ़िया काम है लाइब्रेरी। हाँ, और कैसी किताबें हैं उसमें, कौन ज्यादातर लोग आ रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैंने लगता जिम्मे मैं क्या सी कि बचपन तो ये बच्चे की करैक्टर बिल्डिंग ज्यादा उन्होंने स्ट्रेंथ दिती जाए कि अज कुछ बुरा हो रहा है कल कुछ चंगा भी हो जाएगा, वो अपनी जिंदगी कहानी वाग देखने लग जाए फिर शायद वो नशे वाल ना जाए। तो मेरी जो मैं लाइब्रेरी बनाई है इसे थॉट के बनाई है कि कोई नशे करके दुखी होकर नशा करके नशा करने तो बाद फिर अपराधी बन के अपराधी बनने तो बाद गैंगस्टर ना बने उस चीज़ की शुरुआत ही ना हो। मेरा मकसद है कि सिर्फ कहानियाँ पढ़ो, वो एक भी सिलेबस की किताब नहीं, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी की किताब नहीं, सिर्फ कहानियाँ ने छोटे बच्चों तो लेके इतों तक के बच्चों सिर्फ। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि आप रेसिज्म पे बहुत गाने बना रहे हैं, मतलब अपना ही एग्जांपल देते हैं, और पंजाब का इतिहास रेसिज्म से बहुत पुराना जुड़ा है कि जब विदेश में भी जाया करते थे तब विदेशों में हो रहा था और पंजाबी खुद विक्टिमाइज्ड फील करते थे कि उनके साथ कैसा हो रहा है, और फिर जब हमारे इधर लेबर आने लगी तो सब यूपी बिहार से जितने हैं सबको भैया कह दिया गया और मतलब वो बहुत गाली की तरह यूज़ किया गया, तो वो रेसिज्म स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप जब रेसिज्म पे गाने बना रहे हैं क्या आपने कभी खुद वो फेस किया है, या आपको एक वो सेलिंग पॉइंट जिससे लगता है कुछ यूनिक हो जाएगा इसलिए बनाया जाए, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं फेस किता होगा कहते हैं कदे मे बी, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, पर ये तो है रेसिज्म हर जगह है, मैं लगता शायद रहे भी, ये तो पूरी तरह खत्म होना तो मैं मुश्किल लगता बहुत। जदों फॉर एग्जाम्पल जिम्मे मैं लिबास गाना लिख लिया, वो लिखने पिछे शायद मेरा खुद जो रेसिज्म फील करया 20% ओह होवे, ज़्यादा उन्होंने लिखण का कारण मेरा यह सीगा कि जदों मैं म्यूजिक लाइन दे विच जाऊँगा मैनू कहा जाऊगा जां मैनू कहा भी गया कि तेरा फेस सोहना नहीं, तू ठीक नहीं हैगा, आपां कोई होर मॉडल वधिया लै लांगे, तू प्लेबैक ते रह। तो मैनू पता कि जदों सिंगर प्लेबैक ते रही जावे फिर उहदा उह नाम नहीं हुंदा जिहड़ा उहदा सामने आके हो सकदा। फॉर एग्जाम्पल जिम्मे जॉन एलिया जी ने, मैं उन्होंने देखता तो मैं सोहने लगते हैं, उन्होंने सुनता उन्होंने आवाज़ वधिया लगती है, उन्होंने शायरी वधिया लगती है, उन्होंने शायरी कोई होर कह रहा हो किसी ने होर ने यूट्यूब पर वीडियो पाई हो मैं वधिया नहीं लगती, जो खुद बोलते हैं वधिया लगते हैं। जे मेरी आवाज़ ना कोई होर चेहरा जोड़ दिता जाता मेरा ये वजूद होना ही नहीं सी। मेरा मेन रीज़न ये भी सी कि जो यदि वीडियो आऊगी जो मैं लिरिक्स के भर दिता काला मुंडा एक करैक्टर फिल कर दिता कि मुंडा काले रंग का ही है, तो कोई लेबल कोई कंपनी मैं किमें कह सकता है कि आप कोई होर बंदा लवेंगे जब वधिया मॉडल लवेंगे। मैनू इन्ना ये भी रेसिज्म ही एक तरह का कि जो मैं खुद इस वीडियो से अपने खुद पैसे लाना चाहता सी, मैं 65,000 रुपया जोड़ भी लिया, मैंने एक स्ट्रगलिंग वीडियो डायरैक्टर ने कहा कि आप कोई वधिया मुंडा ले लें कि साड़ी बेइज्जती हो जूगी, तो मैं ठीक है। जैसे पंजाबी गाने जो भी होते हैं 4 मिनट के और 5 मिनट के, उसमें एक पूरी कहानी दिखाई जाती है और उसमें वो खेती किसानी सब कुछ दिखा के एक अपनापन फील कराने की कोशिश करते हैं। पंजाब में बहुत सारे स्टार हैं लेकिन काका को देख करके एक अपनापन फील होता है, उसको फील कराने की ज़रूरत नहीं होती, वो एक सामान्य साधारण सा लड़का। और जो मैंने कैमरे के पीछे उस समय बोला था मैं फिर से बता देता हूँ कि मुझे मतलब स्टार बहुत सारे हैं और हो सकता है कि जिनका मैं ना सुना हूँ उनका नाम ना ले पाऊँ, लेकिन बहुत सारे स्टार हैं लेकिन सिंगर मुझे दो ही लगते हैं, सतिंदर सरताज और काका, जो खुद से ये बतानी नहीं थी बात। हाँ, लेकिन मतलब मैं बोल दिया, मुझे कोई सवाल बहुत गहरी बात कही आपने, मुझे हाँ, मुझे कुछ कहना कोई सवाल नहीं है, अगर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर ये चाय अगर असर कर गई हो तो जो नया वाला गाना है शेप उसको आप सुना देते हैं। स्ट्राइक तेरा भाई देख लेगा। नहीं, इनके इनका चैनल है वो। अच्छा, चाय तो असर कर गई हो रहे हैं सर, 5 मिनट और गल्ला करते हैं, गला गला गर्म हो जाएगा फिर सुना। ठीक है, हाँ जी, चल ये लो। हाय, राजेश खन्ना को हम लोग प्यार से काका बोलते थे, तो आपका जो नाम मतलब आपकी उम्र कितनी है? मेरी 23। 23,
आप प्यार से राजेश खन्ना को काका बोलती थी? नहीं, सब लोग बोलते थे, मैंने हम बोला इसलिए। मम्मी पापा के जमाने के लोग। मैंने पापा के साथ उनकी बहुत फिल्में देखी। अच्छा, एक अटैचमेंट है उनसे। हाँ, तो उनको प्यार से सब काका बोलते थे, तो आपका भी नाम काका है, तो वो उनसे इंस्पायर्ड है या आपके काका नाम के पीछे की क्या कहानी है? जो आप हिंदी उर्दू लैंग्वेज से चले जाने या फिर अफगानी तक, काका का मतलब चाचा हो जाता है। जो पंजाबी जाने छेड़ काका का मतलब है लड़का, छोटा लड़का, बच्चा। जो मैं पैदा होया तो मेरे भाई सारे पूछते थे, बड़े भाई कि कौन की होया, कुड़ी हुई है जो काका होया, वो कहना काका होया, काका होया, काका। वो हौली हौली थोड़ा काका, थोड़ा काका, काका ही बन गया। ऑफिशियल नेम भी काका है? नहीं, आधार कार्ड पे तो लगे। आधार कार्ड पे क्या है? तो गूगल पे मिलेगा। ऑफिशियली है काका ही होना था। समझ गए आप, ये पंजाबी में छोटे बच्चे को प्यार से काका बोलते हैं। किनको? नहीं, उनको काका बोलते थे, चाचा वाला। अच्छा, ओके। बट बेबी फेस के लिए? बेबी फेस था उनका, मतलब इसके लिए बोलते थे। मैंने ऐसा पढ़ा है सर, इसलिए मतलब। और ये भी बोलते थे ऊपर आका नीचे काका, इतने ताकतवर थे वो इंडस्ट्री में। जी, आपका जो ये गाना है काले थे लिबास, मतलब लिबास जो है मतलब अच्छा गाना है। आपने अभी तो, अभी नहीं, मुझे तो पसंद है। ठीक है, आपने बोला ताली बजे तो थोड़ा पॉज लेने का, तो आपको लगता है कि वो एक अच्छा गाना है? हाँ, मेरे को ठीक लगता है। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि वो सस्ता गाना है, मगर ऐसा नहीं है, उसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, मेरे को तो ठीक लगता है। इसको ये बुरा लग रहा है कि आपने ऐसे क्यों बोला कि वो अच्छा गाना नहीं है? क्योंकि मेरी किसी होर आर्टिस्ट ना जंग नहीं हैगी, मैं अपने आप में किसी होर ना कंपेयर नहीं करता कभी भी। मैनू गुस्सा आता है जो लिबास 700 मिलियन प्लस हो गया, तो कह लेण दे जो मैनू ज़्यादा वधिया लगता है। तीजी सीट मैनू होर वधिया लगता है, जिन्हें गाने होर ज़्यादा क्रिएटिविटी पाई हुई है, मैं वो गाने जो मैं नीचे दिखते हैं तो मैं गुस्सा आता है बस। ओके, इट इज एन आर्टिस्टिक थॉट। हाँ हाँ जी, हाँ जी, अच्छा बेटा तेरा डेब्यू हो रहा है, कब तक कैमरे के पीछे रहेगा? ये जी हमारा इनहाउस रैपर है। आपका फेवरेट सॉन्ग ही अब सुनना चाहेंगे हम एक बार, कह लें दे। अब तो गर्म हो गया होगा गला। ठीक, कोई बात नहीं, हम शॉर्ट्स में लगा लेंगे। सुनी सुना, दस की करां तेरे ते मरां, कहण तो डरा कह लैण दे, तू मेरे जज्बात छेड़े इको गल कहिंदे जेड़े, बस तेरे नेड़े तेड़े रह लैण दे। लभ के बहाने जाने जोड़ लै यराने जाने, घड़ी बिंद तेरे वेड़े बह लैण दे। मैनू तां ना रोक, मैं तां पहले ही डरपोक, मेरा हौसला ना सुख इनू बह लैण दे। थैंक यू, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि आप सिंगर ही बनना चाहते थे शुरू से, या फिर आपका कोई और प्लान था फ्यूचर को लेकर? मैं शेख चिल्ली टाइप का बंदा मैं सब तो पहला मैं बनना चाहता सी फौजी, कि मैं मूवीज देखी हैं, जो मैं मूवीज देखी बॉलीवुड के, उदो बहुत सारी मूवीज हीरो फौजी ही होंगे, तो मैं लगता फौजी बनना बॉर्डर से जाना है। मेरे को NCCC सर्टिफिकेट भी है। अच्छा, हाँ जी, तो जो उत्थे मैं कैंप दौरान कुछ फौजियों को मिलया, जो उन्होंने मैं लगे कि बहुत मज़ा करते हैं कि अपने पूरे टीम के नाल घूमते फिरते हैं या फिर जंग लड़ते हैं। मैं जंग लड़ना एक बड़ा फैसीनेटिंग चीज़ लगती थी, गोली चलानी एवं करना है ना। तो जो उन्होंने मैं दसिया कि असं परिवार तो दूर रहने, सानू औखा लगता है, उन्होंने मैं अपनी मुश्किल दसियाँ एक फौजी ने किसी ने, मैं देखा यार मुश्किल है, फिर मैं फिर भी ट्राई कर। जो मैं हजे बीटेक नहीं सी करी, डिप्लोमे के बेस से जो मैं कर लग्या, तो मेरा 5'7" चाहिए सी, मैं 5'6" है होया नहीं। उस तो बाद मैं बीटेक कर ली, फिर जो हो सकता सी उदो मेरे गाने नू बहुत एप्रीशिएट कर लग गया सी मेरा कॉलेज, मैं कॉलेज के छोटा जिहा स्टार बन गया सी। कॉन्टीनेंटल कॉलेज? हाँ जी, स्टेज पर कदे कवाली गाउनी, कदे गाना गाउणा अपना लिखा हुआ गाउणा, कंटीन च बैठ के गाने गाई जाने। जो एप्रीशिएट होने लग गया, फिर मैं लगे कि फौजी बनने बहुत टाइम लगेगा
बहुत रनिंग करनी पेगी, बहुत भजना पेगा, बहुत डेडिकेशन चाहिए है। मैं वो बहुत सारे लोग भी देखे ना जो बहुत सालों तो प्रिपेयर करी जा रहे हैं, तैयारी करी जा रहे हैं, सात सात साल लग जाने किसी को, कोई किन्नी देर तो मेहनत कर रहा है। फिर मैं वीडियोज़ देखिया जो वो रोंदे ने गिड़गड़ाते हैं कि सानू एंट्री दे दो, क्योंकि कोई एक सैकंड पिछे रह गया होंगे, कोई दो सैकंड पिछे रह गया होंगे। फिर मैं थोड़ा दुख तो लग्या, थोड़ा जा बुरा लग्या। मैं सोचा कि मैं इन्ना इन्ना नहीं कर सकता, मैं इन्नी हिम्मत नहीं मेरे च। फिर मैं जॉब करी, मैं सोचा जॉब करके पैसे जोड़ा, थोड़े जे कैसट कढ़ के देखते हैं। कभी गो विद फ्लो काम होने लग गया। फिर जो सारे लिए बुरा होया पैंडमिक करोना, वो मेरे लिए आया रावण मेरा दोस्त बन के। उदो मैं गाने लिखे, मोबाइल दे विच म्यूजिक करना थोड़ा जा सीख्या। कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं म्यूजिक की? नहीं, उन्हां दा म्यूजिक बनाना सीख्या, डमीज बन गए। फिर मैनू दिल्ली दा एक मुंडा मिलिया, एरो साउंड्स ऑनलाइन मिलिया इंस्टाग्राम से। फिर मैं उन्होंने कहा कि गाने मिक्स कर दे, म्यूजिक मैं बना लिया। किन्ने पैसे लेंगा? कहना 8,000। मैं कहा 6 ले ली। कहना ठीक है। जदों मैं उन्होंने गाने भेजे, कहना गाना वधिया, म्यूजिक फुद्दू है तेरा। मैं एक महीने च बनाया ये, तू है ना। कहना पर अजीब है, कहना बीट अजीब है, पैटर्न नहीं है कोई बीट का। कह लैन तो भेजे सब तो पहला। मैं चल, उन्हें मैनू, मैं नहीं कहा कि तू कर दे, उन्हें कहा, कहना मैं कर दूंगा भी, मैं एक्सट्रा चार्जेस भी नहीं करूँगा क्योंकि तेरा गाना वधिया है। मैनू लग्या कि पता नहीं, समझ नहीं आ रही भी करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। मैं चलो मैनू भेज दे यार, करके भेज दे, जो तू पैसे नहीं ले रहा देख लें। उन्हें मैंने 40 सैकेंड का भेजा, कह लैन दिया जो मैं गाना सुनाया हूँ, 40 सैकेंड का भेजा उन्हें। मैं क्या पूरा कर दे भाई, मेरे वाला सच्ची बुद्धू है। फिर उन्हें फिर सेम उन्होंने तीजी सीट भेजा मैं फोन के म्यूजिक बना के। कहना ये भी नहीं वधिया यार। ठीक है, कहना, पर ठीक ठीक है, पहला वाले नालों बैटर है। कहना पर मैं चल तू करके भेजी थोड़ा जा अपने वाला। उन्हें वो करके भेजा, मैं पूरा कर दे, वो भी वधिया सी। लिबास टाइम मैं अड़ गया सी कि यार चाहे बेकार है चाहे जिवें दा मर्जी है, मेरा यही रखना है। अच्छा, हम लोग इससे पहले क्लोज करें और आशीष जी से आखिरी सवाल लें, ये गाना कब लिखा गया है? ये क्या बिग्गो बिल्लो बग्गे? हाँ, 2018। अच्छा, तो आप किसी नीली आंखों वाले लड़के या लड़की को जानते हैं? नीली नहीं है वो, तो नीली तो नहीं है, बिल्ली आंखें हैं। बिल्ली बिल्लौरी आंखें जैसे तेरी है, कंजी आंखें। हां, ये बिल्ली आंखें, इसकी बिल्ली आंखें। हां जी, हां जी। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बिल्लो बग्गे, बिल्ला बिल्ला पंजाब में ऐसी बाकी ना, मे भी हो सकता करेंगे। क्लोजर लगा रहा है, काश होता। पंजाब च जिदी भी अखा थोड़ी जी बिल्ली वर्गियां होन, बिल्लियां होन चाहे बलौरी होन चाहे नीलियां होन, उहदा नाम बिल्ला जां बिल्लो पई जांदा। मैं हैरान हां बाई दा नाम बिल्ला क्यों नहीं हैगा। मेरा हन्नी पै गया है ना, हन्नी सी करा मेरा घर दा नाम। जी आशीष जी, मेरा यही था कि एक तो हीरो बताता है कि मैं इस रंग का हूँ इसलिए तुम मुझको छोड़ रही हो, लेकिन हीरो को चाहिए वही गोरी चिट्टी लड़की ही, ऐसा क्यों होता है? और दूसरा सवाल ये कि लिवाज वाला गाना बीच में ब्लर सा क्यों है? क्या वो उसमें कुछ कंट्रोवर्सियल सा था क्या? वो बीच में 2 मिनट 22 सेकंड के आसपास ब्लर है, वो बहुत सारे कमेंट भी आ रखे हैं उस पर। मैंने पता है, पहली गल था कि पहला क्वेश्चन की सीगा भी गोरी ही क्यों चाहिए। हूँ कॉलेज पढ़ते हैं, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई गोरी जी कुड़ी पसंद आ गई जिन्हें मेरे हाथ मिलाया, खुद 2-4 स्टेप बधाए, तो मैं वो तारीफ करूँगा। जे मैनू कोई मेरे वर्गी ने पसंद कर लिया होंगे फिर मैं उसे लिख दिंदा। उस तो बाद की सी ब्लर, ब्लर वीडियो डायरेक्टर का आइडिया होंगे या फिर कुछ सारे की मिली भुगत होंगी है कि जो असी ने वो शूट कर लंबी कहानी थोड़ी जी, कितना टाइम अपने को? बहुत टाइम। जो वो शूट कर रहे थे असी, एक लाइन है मेरी कि जोगी ने वो कहती मेरा हाथ देख ला, वो जोगी को कहती है कि मेरा हाथ देख, हाथ कानू देखो जिन्हें मूँह देखा, जिसने मुँह ही देख लिया तुम्हारा वो हाथ क्यों देखेगा? जोगी कहना कन्या नु खबर नहीं, नैणा नाल गया मेरा दिल चेकिया। तो साढ़े पंजाबी गाने के नॉर्मली जोगी नू जां फिर जिवें रांझा जोगी बनिया आशक के तौर पर बहुत बार दिखाया जाता रहा, तो मैं भी उवें दिखाया कि वह कुड़ी नू देख के मोहित हो गया। मैनू नहीं सी पता कि जोगी एक कम्यूनिटी अलग होंदी है, मेरे लिए तो जिहड़ा एक नॉर्मल भगवा पा के जिहड़ा दर दर जाता है वह जोगी होंगे, मैं एवं लगता सी। तो मूवी वीडियो के सीन बना लिया कि जोगी कुड़ी का हाथ देखूगा,
तो वह देखी जाऊगा फिर कुड़ी चली जाऊगी। जेड़ा जोगी असी ने पे करके बुलाया हुआ सी एक्टर सी जेड़ा वह कहना मेरा अगला शूट भी आ गया तुम बहुत लेट कर लिया मैं जा रहा वो चला गया। असी कोई असली फड़िया जेड़ा तुम वीडियो के देखा वो असली सीगा पर उन्हें शराब पीती हुई सी वो पूरा टली सी जो वो एक्ट्रेस वो कोल आई तो उन्हें एवें मारिया वो इतने तो वह डर गई भज गई तो उत्थे असी हस भी सारी एवें पे सारे हस बहुत हसे असी फिर वो हो गया सीन उमें कि जो जो वीडियो रिलीज़ हुई तो जोगी कम्यूनिटी में बहुत गुस्सा आया उस चीज़ से क्योंकि असी उन्हें धक्का मार रहे हैं ज कह रहे तू चला जा इतों उमें उमें शूट के फिर त करके लेबल ने बदल करता जी। जी और कोई सवाल? हाँ अभी आप कह रहे थे ये बात कि मिलना नहीं पसंद है और आर्टिस्ट से एक कहावत भी है कि दूर के ढोल सुहाने और एक पिक्चर है फॉल्ट इन अ स्टार तो उसमें जो कैरेक्टर है उसको एक नॉवल बहुत पसंद होता है उसके राइटर से मिलने जाती है और हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने भी ये वो ये बात मानते हैं कि आप अगर किसी को पसंद करते हैं चाहे वो राइटर हो कोई कोई भी हो अगर आप उससे मिलेंगे तो हो सकता है आप उस आर्टिस्ट को पसंद करते हैं आप उस इंसान को नहीं पसंद करते तो आप मत मिलिए। तो ये बात मैं मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बात एक आप चौथे इंसान हैं जो ये बोल रहे हैं और सही बात है ये। नहीं मैं खुद इस गल नूं एग्री करता मैं लगता है कि मैं मेरे गाने इंटरेस्टिंग हो सकते हैं मैं बड़ा बोरिंग बंदा। अच्छा जी हमको तो ऐसा नहीं लगा पहले के दिन चार के दिन लगता हूँ इस तरह। हम जब पंजाबी के हिट सॉन्ग सुनते हैं तो हमने देखा है कि उसमें ना एग्रेसिव और थोड़ा अटैकिंग बिहेवियर को बहुत ज़्यादा बेचा गया या मतलब वो बहुत चलता है। आपने वो कभी क्यों नहीं ट्राई किया? और सिद्धू मूसे वाला भी अपना ओरिजिनल गाना लिखते थे लैंग्वेज के साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे आपके भी साथ हम देखते हैं तो क्या आप थॉट प्रोसेस में अपने कोई सिमिलैरिटी पाते उनके और अपने? मैं दूसरा सवाल नहीं समझा। वो भी ओरिजिनल लिख रहे थे अपने गाने और लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंट दिखता था कैसे? जैसे वो बीच में जब एक्सप्लेन करने लगते थे या बताओ पंजाबी में नहीं मुझे आपका ये गाना याद है। हाँ कौन सा बताओ बताओ। जैसे मिट्टी दे टिब्बे जब मैंने सुना था मुझे उस वक्त पंजाबी के कोई शब्द नहीं पता थे या मैं भिलाई में रहते मतलब निकली थी जब तब ऐसा सुना था पर कुछ हिंदी के शब्द या कुछ मतलब ऐसे लोकल शब्द उसमें मिलते थे जो मुझे लगता था कि हाँ ये तो हमारे यहाँ भी बोले जाते वो एक्सपेरिमेंट दिखता था कि कुछ ऐसे शब्द हैं उसमें। ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी भाषा में सिर्फ स्टार्ट टू फिनिश बहुत ही पंजाबी मुश्किल शब्द नहीं होते हैं कुछ एक ऐसे शब्द भी होते हैं जो नोएडा में या भिलाई जैसे गाँव में रहने वालों को भी। हाँ यही कह रहे हैं भिलाई गाँव नहीं अच्छा भिलाई गाँव नहीं सॉरी भिलाई में और गाँव में बीच में कॉमा है भिलाई वालों को कुछ मत बोलो कहीं ब्लर करवा दें ये पार्ट वाला वो वी लव भिलाई। यस भिलाई बहुत अच्छा शहर है हालांकि मैंने देखा नहीं तो मैं फिर सवाल भूल गया। गाने में आप हिंदी भी खूब ले आते जो आप बता रहे थे ना कि नोएडा में काम किया मैं मोहाली दे विच जॉब करी क्योंकि उत्थे जिथे जिथे मैं काम करिया जॉब करी है जां लोकां नूं जिन्ना मैं मिलता रहा तीन चार साल जॉब के दौरान तो मैं पंजाबी हिंदी बोलने वाले लोगों नाल काम करना पिया तो उदो मैं थोड़ा जा मैं जिहड़ा मिट्टी के टिब्बे उहदे विच एक भी हिंदी वर्ड अपने वालों इंटेंशनली नहीं पाया गया कि मैं ज़्यादा ऑडियंस तक रीच करा कि जो असी रिलीज़ करे साडा माइंडसैट भी यह मिट्टी के टिब्बे बड़ा लोकल गाना है भी शायद पंजाब दे विच ही चले पर जदों मैं वो लिखा मैं भी पता नहीं मैं सबकॉन्शियसली मैं याद शायद दिमाग च रहा है कि किड़ा वर्ड है जो पंजाबी ते हिंदी दोवां ऑडियंस नूं समझ आ जाए शायद मैं ट्रेन एवें हो गया पता नहीं आई डोंट नो। और एग्रेसिव बिहेवियर या अटैकिंग बीट या एकदम वैसा गुस्सा बहुत दिखाते हैं गाने में वो मेरे च है ही नहीं मैनू मैं गुस्से कदे नहीं हुंदा किसी नाल आपके भी नहीं और लोगों के तो मैं वही लिखता जो मैं हाँ जो मैं रियली जो मेरा नेचर है मैं डिसअपॉइंट हो सकता मैं किसी तो कट ऑफ कर सकता मैं किसी ना गुस्सा होकर तो थप्पड़ नहीं मार सकता मैनू तो ना रोक मैं तो पहले ही डरपोक मेरा हौसला ना सोखे कह ले लह लैन दे तो मैं हैगा वही नेचर मेरा जैसे जो मेरे गाने ने वह जी मैं। अच्छा आपकी फिल्म आ रही वाइट पंजाब उसके लिए बेस्ट ऑफ लक है ना और
मैं ये जानना चाहता हूँ कि काका का एम्बिशन क्या है आज से 5 साल 10 साल बाद, एक सिंगर के तौर पर, लिरिसिस्ट के तौर पर, एक्टर के तौर पर, क्या आगे चल के आप फिल्में बनाएंगे भी, कोई अपने स्टूडियो खोलेंगे, आपने लाइब्रेरी खोली है, क्या 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 सपने हैं? स्टूडियो हैगा, ऑफिस हैगा बढ़िया, लाइब्रेरी होगी, करने वाली कार बनाता, तो मैं दुनिया घूम रहा थे, घूमनी चाहना बस यही है। एम्बिशियस मैं हैगा कुछ चीज़ों लेके, मैं दसना चाहता क्योंकि दसन नाल उहनू पूरा करन दी जनून घट जाता है। मैं कितने पढ़िया सी साइकोलॉजिकली, जे तुसी अपने प्लैनस जां मैं की करन जा रहे जे तुसी दस दिंदे हो तुहानू हाफ खुशी मिल जाती है, रिलैक्सेशन मिल जाती है, तो उन्होंने फिर जज्बा घट जाता है। बहुत गहरी बात है। तो मैं जो कोई गाना बना रहा हूं जां मैं कुछ भी कर रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं कि किसी ना ही दसा अपने तक का। दस पुत पीछे से इशारा कर रहा है। हाँ बस क्लोजिंग भी कर देना। नहीं माफ कर दीजिएगा, यही सिखाया मैंने। अच्छा ठीक कर दो। जो सौरभ ने बात कही उसको थोड़ा सा पीछे ले जाके सवाल को करना है। आपने अभी सवाल पूछ, आपने आप गाना गाते हैं, आप बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, उसके मिलियन मिलियन व्यूज़ आते हैं और आते रहें ऐसी दुआएं। पर मान लीजिए इस दुनिया में कोई नहीं होता, सिर्फ आप अकेले होते और आपको कर मतलब आपको अपना जीवन, जैसे आप अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट व्यक्ति हैं, अपने भीतर अपने मग्न खोए रहते ऐसे होती, तब भी क्या आप गाने ही बनाते हैं, क्या कर रहे होते? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी गाने को देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं होता तब आप क्या कर रहे होते? आई लव यू सीरियसली। बहुत बढ़िया सवाल है कि देखो एक तो मैं ये कहूँगा कि म्यूजिक तो मैनमेड चीज़ है, इंसान ने बहुत सारी चीज़ा बनाइया ने, कुदरतों उपर कोई चीज़ नहीं बना सकिया। पर मैं लगता कि जो इंसान ने सुरां की एक तरतीब बना ली ना कि यह राग है ये तो बाहर जावे तो बेसुरा हो गया, ये राग है ये तो बाहर जावे तो बेसुरा हो गया, जो उन्हें रागों की काढ़ कढ़ ली या म्यूजिक बना लिया वह इंसान की बनाई हुई चीज़ों चो सब तो उपर की चीज़ है, वो तो वधिया कोई चीज़ बना नहीं सकिया वो। तो जे दुनिया ही ना होंगी मैं कला ही हों फिर शायद मैं दसन वाला कोई होंगे ही ना कि आ राग है इमें गाँव हों। जे हूँ अलोप हो जाए दुनिया तो बहुत वधिया गल है, मैं कला बच जावा। आई विल लव इट। अगर अगर अभी दुनिया सारी की सारी खराब तबाह हो जाए मैं अकेला बच जाऊँ मैं खुश हूँ, बहुत मज़ा आ जाएगा। क्लोजिंग एक सेकंड जी, एक सर आखिरी क्लोजिंग लेकिन दीपक करेगा। हाँ क्लोजिंग दीपक करेगा। मैं ये बात कह रहा था कि आपके चाहे टेम्परेरी प्यार हो चाहे तीजी सीट हो या फिर मिट्टी द टिब्बे, सब एक टोन के गाने थे। टेम्परेरी प्यार, अच्छा मुझे लगा आप इनके टेम्परेरी प्यार पे बात कर रहे हैं। नहीं गाना है। अरे गाना था तो वो भी जो तीन चार और भी सब एक टोन की। ये जो शेप गाना ये पहली बार आपने थोड़ा ट्रैक चेंज किया है, थोड़ा पेस जैसे एक पेस रहता है पंजाबी सॉन्ग। गाना गाना है जड़ा ने वीडियो च पाना जिदा अपने को लेवल ते राइट्स होंदे आपने उसी दे दी एक गा दो जड़ा अपने लेवल ते गाना है। भाई समझ गया। हां बस बेसिक कन्वर्सेशन है। सच्ची चार सौ बंदा भाई। हां जी गाना बस सीधा शेर शुरू गा दो कोई जड़ा अपने लेवल ते ट्रैक्स ने। हिजाबी है सुनाओ। हिजाबी है सुनाओ। ओ मेनू थोड़ा ज्यादा वधिया लगदा। ठीक नहीं है मैं थोड़ा जा खंग हुई भी है। हे हिजाबे हया है जहाँ तेरी साजिश है कोई मेरी जान लैण दी, जद मैं तेरा आशिक होया लोड़ की है परेशान रहण दी, चेहरे ते पर्दा तेरे दिखदे ने नैण नी, नैना ते आके किन्ने टिकदे ने नैण नी, नजरां नाल फांसी लाउणा सिखदे ने नैण नी, शायरां नूं हत्थों फड़के लिखदे ने नैण नी, जे तारीफ लई लफ्ज़ हुंदे तां कोशिश क्यों करदा बेजुबान रहण दी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये आखिरी शब्द था बेजुबान, लेकिन हम सब ने अपनी ज़ुबानों में इनसे बात करने की कोशिश की, अपने इशारे से अपनी बातों से इनको समझा कि बिल्लो बग्गे बिल्लियाँ और बग्गे बग्गे बिल्लियों देख के करे सी कुछ आगे तक इनको जाना, इनके अतीत को इनके वर्तमान को समझा। आप इनको खूब समझें, इनकी फिल्म देखें या जैसा भी आपको ठीक लगता हो, लेकिन कम अज़ कम एक कलाकार से बातचीत करने की तो कोशिश दी। थैंक यू। आप देख रहे थे ललन टॉप। वाह।